जिम गया है, पर तेरी मम्मी, अरे रुक रुक, तेरी मम्मी का ही कॉल आ रहा है। ठीक है, पर वो लोग है कहाँ? हेलो चमची, कहाँ हो तुम सब लोग? क्या हॉस्पिटल आना है अभी? पर क्यों? क्या अब कौन मर गया? चमची, पर हुआ क्या है बताओगी? क्या ताई बहू को हॉस्पिटल लेके गए हो तुम लोग? ठीक है हम लोग आते हैं। क्या मेरे बेबी को हॉस्पिटल क्यों लेके गए और मुझे कोई बताया क्यों नहीं? मम्मी क्या बोल रही थी? पापा जल्दी बताओ ना। अरे ओए चेन्नई एक्सप्रेस, पापा को बोलने का मौका तो दे भाई। वो एक्चुअली ताई बहू को हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। आई थिंक कल रात से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद। तुम्हारे मम्मी ने हॉस्पिटल बुलाया है हम सबको, चलो जल्दी जाना चाहिए हमको। शिट, सारी मेरी लापरवाही का नतीजा है ये। कल ताई मुझे बता रही थी कि उसका सर दर्द दे रहा है और रो भी रही थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था उसी समय। क्या हुआ गाइस, इतने सीरियस हुए हो तुम सब लोग और बाकी के घर के मेंबर्स कहाँ गए? लीजा बेटा, तुम घर पे ही रहना ठीक है, हमको हॉस्पिटल जाना है, हम जल्दी ही वापिस आएंगे ठीक है, कहीं भी मत जाना प्लीज। ओके, बट हुआ क्या है अंकल? वो ताई हॉस्पिटल में है, हम सब जा रहे हैं, बाय। जल्दी चलो पापा, मेरी बेबी अकेली होंगी वहाँ पे। वैसे डायलॉग अच्छा था, लेकिन वहाँ पर ताई के साथ मेरी भी बेबी है और मम्मी भी, तो ताई का अकेला होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना चाहते हुए जेहोब भी है उनके साथ, तो चलो अब जल्दी। उप्स, क्या हो गया बेचारी ताई को? बट मुझे भी तो जाकर देखना होगा असली तमाशा। ओफो, कहाँ रह गया? यानी आरिम अभी तक नहीं आया। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है ना, कि खुश हो कि दुखी हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मम्मी, ये भी कोई सोचने वाली बात हुई? ऑब्वियसली ये गुड न्यूज है, तो खुश हो जाओ जैसे कि मैं हो रहा हूँ। ए मूंगफली की दुकान, जरा चुप रहने, तेरे दिमाग को ग्रहण लगा हुआ है ना जब से तू पैदा हुआ है, इसलिए तुझे ये भी नहीं समझता कि कहाँ अपने दांत दिखाने चाहिए और कहाँ नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, शुगर जल्दी आओ प्लीज। जिमिना बेबी, मैं आ गया। क्या हुआ तुम सब लोगों को? तुम इतना टेंशन में क्यों हो? ताई ठीक है ना? मम्मी प्लीज बताओ मेरी बेबी ठीक है ना? कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है अभी अभी अभी। चमची, हम सब आ गए, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे हो क्या रहा है? चमची, ताई कहाँ है बताओ मुझे, कैसी है वो अब? वो ताई बहु प्रेग्नेंट है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है मम्मी? आप लोगों को जरूर कुछ गलत फहमी हुई होंगी। वाह 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 वाह, हमें गलत फहमी हो रही है ने? सब कुछ तूने किया नहीं ताई बहू, इसलिए तेरी वजह से प्रेग्नेंट है, और तू कह रहा है कि हमें गलत फहमी हो रही है। और क्या ये बात सच है छमची? तुझे मेरा थोबड़ा देख के क्या लगता है आरएम, कि मैं झूठ कह रही हूँ? और डॉक्टर ने भी मुझे कहा है और रिपोर्ट भी देखे है हमने। ओ माय गॉड, तो तुम सब लोग मुंह क्यों लटका के खड़े हो? ये तो खुशी की बात हुई ना हमारे लिए। मैं भी तो यही बताना चाहता था पापा कब से, पर मम्मी मेरा सुनने को तैयार ही नहीं थी कि ये है गुड न्यूज। पर आरएम लोग क्या कहेंगे ने, कि शादी से पहले ही छोटी बहू प्रेग्नेंट जो है, फिर हम क्या जवाब देंगे ने सब लोगों को? ये भी कोई बात हुई चमची? आजकल ये सब कॉमन है, और लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है चुगलिया करना। पर उनका सोच के अगर हम इतना बड़ी खुशी को इग्नोर करेंगे, तो ये हमारे बच्चों के साथ ना इंसाफी होगी। और तुम ये क्यों नहीं सोचती कि हमारे घर पे अब बेबी कुकी आने वाला है? ओमो, मेरे छोटे से कुकी का छोटा सा बच्चा आने वाला है ने? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया ने, मैं लोगों के बारे में इतना सोचने लगी कि इतनी प्यारी चीज की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया ने। और तू पहली बार सही कह रहा है ने आरएम, कि लोगों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। पहली बार नहीं, मैं तो ऑलवेज सही बोलता हूँ, पर तुम्हें दिखे तब ना। कुछ कहा है क्या आरएम तूने अभी? हाँ, तुम बहुत प्यारी दिख रही हो, यही कहा था। और ट्रस्ट मी जिमिना, मैं बहुत खुश हूँ इस गुड न्यूज से, क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, तो हमें मिलकर ताई का ख्याल रखना पड़ेगा अभी। और वैसे भी मेरे ताया और कुकी की एक दिन शादी तो होने वाली ही है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। हाँ, तुम सब सही कह रहे हो, थैंक यू सो मच होबिया और शुगा, मुझे लगा कि तुम सब लोग गुस्सा होंगे, पर तुम सब लोग बहुत हैप्पी हो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है।
और मेरी छोटू सी ताया खुद इस दुनिया में एक छोटा सा बेबी लाने वाली है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। जी हो, मुझे जल्दी बता डॉक्टर का कैबिन किधर है। तुझे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? क्यों, तू कुछ नहीं है क्या? तू बस वो बता जो मैंने पूछा है, ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट में है कैबिन। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक्सक्यूज मी, आप कौन है और बिना नॉक किए अंदर कैसे चले आए? डोंट क्वेश्चन मी डॉक्टर, सिर्फ मैं आपको अब क्वेश्चन करूंगा। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सच सच जवाब देंगे, पर आप हो कौन वो तो बताओ। मैं जियान जंकू हूँ, द बिगेस्ट कंपनी का वन एंड ओनली मालिक, और तयंग का बॉयफ्रेंड और होने वाला पति भी। और अब तुम बताओ कि ताय प्रेग्नेंट कैसे हुई? मिस्टर जंकू, कैसे हुई का क्या मतलब है? ये तो सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए, क्योंकि आप तयंग के बॉयफ्रेंड है तो आपको ये पता होना चाहिए। मुझे ताय की रिपोर्ट देखनी है अभी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस्टर जंकू, ये लीजिए, मैंने आपके लिए ही निकाल के रखा था। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरी ताई ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। आखिर क्यों ताई, क्यों? जीजी मीना, तुम यहाँ? ताई बेबी, उठ गई तू? थैंक गॉड, देख तुझे मिलने के लिए सब लोग आए हैं। थैंक्स बहू, तूने इतनी अच्छी जो गुड न्यूज जो दी है ना, हम सब बहुत खुश हैं। क्या गुड न्यूज? कैसे गुड न्यूज मॉम्स? बहू, तुम मेरे कुकी के बच्चे की मम्मी बनने वाली हो। क्या? मैं समझ नहीं पॉप्स कुछ भी। ताया, तुम प्रेग्नेंट हो? याहू! क्या प्रेग्नेंट? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है? तुम बिल्कुल टेंशन भी मत लेना ताय, हम सब संभाल लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और हम सब बहुत खुश है तेरे लिए और कुकी के लिए। पर कुकी कहाँ गया? वो कहाँ है? जिमी ना, मुझे बात करनी है उससे, प्लीज उसको बुलाओ ना। हाँ हाँ, बुला लेंगे ने बहू तेरे कुकी को, वो डॉक्टर से मिलने गया है ने, आता ही होगा। पर वो क्या है ने, अरे मोर मुझे घर जाना पड़ेगा। वो क्या है ने, लीजा घर पे अकेली है ने। तू आराम करता है बहू, हम जाते हैं और जिमी, शुगा और होबिया तेरे साथ ही रहेंगे, ठीक है? और हाँ, तेरा कुकी भी आ जाएगा। हाँ हाँ मम्मी जी, आप दोनों जाओ, हम सब है यहाँ पे ताय के साथ। ठीक है ताय बहू, ध्यान रखना, चलो चमची अब जाते हैं हम। हाँ तो चलने फिर जल्दी। ताया, मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ, वाओ छोटा बच्चा आएगा अब। A few moments later. हेलो ताय बेबी। ताय, ओहो तुम तो यहाँ पे आराम कर रही हो, मेरी नींद उड़ा के है ना बेबी? कुकी, तुमने ड्रिंक किया है? अरे अरे, जबान तो मेरी फिसलनी चाहिए, क्योंकि मैंने ड्रिंक किया है, तुमने नहीं, तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ बेबी, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है ना तुमने मेरे पीठ पीछे? हाँ जंकुक, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, और ये क्या बात है जंकुक, तुमने ड्रिंक करके यहाँ पे क्यों आया? वैसे तो तू ड्रिंक नहीं करता है, तो आज क्या हुआ तुझे, क्यों इतना गुस्से में बात कर रहा है ताई के साथ? चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप रहो तुम सब लोग, मुझे सिर्फ ताई से बात करना है। और तुम ताई, जरा बताओगी मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? क्या मैं काफी नहीं था? क्या मेरा प्यार काफी नहीं था? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो फिर बताओ मुझे कि तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? हाँ, किसका बच्चा है ये? जंकुक, ये क्या बदतमीजी है, तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो ताय से? कैसे सवाल पूछूं, तुम ही बताओ जिमिना, तुम्हारी बहन से, तुम ही बताओ कि अब मैं इससे कैसे सवाल पूछूं? हाँ, ये तेरा बच्चा है कुकी, ऐसे पागलों जैसे सवाल क्यों कर रहा है तू आज? मेरा बेबी, मेरा बच्चा, ये कैसा मेरा बच्चा हुआ? हाँ, जबकि ताय और मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे ताय प्रेग्नेंट हो जाए, वो भी मेरे बच्चे के साथ। क्या मतलब है कुकी तेरा, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तो तू क्यों नहीं पूछता इससे,
कि मैंने इसके साथ किस और हक के सिवा और भी कुछ किया है कि नहीं। पूछना इससे कि मैंने ऐसा कुछ किया है इसके साथ जिससे ये मेरे बच्चे की माँ बन जाए। प्लीज कुकी, मुझे पता है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। मैंने तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में भी नहीं सोचा है। तो फिर ये क्या है? हाँ, ये क्या लिखा है तुम्हारे रिपोर्ट में कि तुम प्रेग्नेंट हो? एक पल के लिए मैं मान भी लूँ कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, पर ये रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती ना ताए। मुझे नहीं पता कुकी ये सब कैसे रिपोर्ट में प्रेग्नेंट बता रहा है, पर सच तो ये है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, प्लीज मेरा यकीन करो। ताए, क्या सच में तुम्हारे और कुकी के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिमिना, क्योंकि मैंने ताए से प्रॉमिस किया है कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हुई जिमिना? नहीं जिमिना, मेरा यकीन करो, मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है जिमिना। ताए, प्लीज शांत हो जाओ बेबी, किसी को यकीन आए या ना आए मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मेरी बहन ऐसे कभी नहीं कर सकती। क्यों फेर रही हो? सच बात तो ये है कि ताए प्रेग्नेंट है और हाँ, ये जेके ओप्पा का बेबी नहीं है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।